60 वर्षों से निरंतर बना आस्था का केंद्र। हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंच करते हैं शिव आराधना। नमस्कार, सितारगंज टीवी के खास शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र शक्ति फार्म स्थित तारकेश्वर धाम शिव मंदिर कई दशकों से लगातार बंगाली समुदाय के लोगों की सच्ची निष्ठा श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में बंगाली समुदाय द्वारा भगवान शिव की पूजा एक महोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से की जाती है। इस दौरान यहाँ 5 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में रुद्रपुर, दिनेशपुर, पीलीभीत सहित कई विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान शिव के नाम पर भगवा वस्त्र धारण कर एक सन्यासी के रूप में रहते हैं। मान्यता है भगवान शिव के नाम पर भगवा वस्त्र धारण कर सन्यासी के रूप में रहने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान सन्यासियों को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर होता है गुजरना। जी हाँ, उन्हें संपूर्ण चैत्र मास अपना घर छोड़कर मंदिर परिसर में निवास करना होता है। साथ ही वो साबुन, तेल, हल्दी इत्यादि कई चीजों का सेवन नहीं कर सकते। इस दौरान उन्हें लोगों के घर द्वार जाकर मांग कर दिन में एक बार भोजन करना होता है। समस्त सन्यासियों को महाशिवाय जैसी कठिन परीक्षा से होकर गुजरना होता है। इस दौरान यहाँ प्रत्येक संध्या को भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें मंदिर परिसर में रह रहे सन्यासी रूप श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में मगन होकर नाचते हैं। चैत मास के प्रत्येक सोमवार को यह श्रद्धालु का तांता लगता है। श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से नंगे पांव तारकेश्वर धाम पहुंचकर दुग्धाभिषेक करते हैं। सैकड़ों डाक व पैदल कांवड़िया भी हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर जलाभिषेक। 5 दिवसीय मेले का किया जाता है भव्य आयोजन। इस पावन चैत्र मास के अवसर पर शक्ति फार्म स्थित तारकेश्वर धाम शिव मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर परिसर में 5 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें समस्त तराई क्षेत्र सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मौके पर यहां कई विभिन्न तरीके से झूलों के साथ कई दुकानें भी लगती हैं। प्रसिद्ध चड़क पूजा को देखने के लिए लोगों की उमड़ती है भीड़। तारकेश्वर धाम शिव मंदिर में होने वाले 5 दिवसीय महोत्सव के दौरान बंगाल से पहुंचे सन्यासियों द्वारा प्रसिद्ध सड़क पूजा की जाती है, जिसे देखने को भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। सन्यासियों द्वारा 25 फीट ऊंचे खंभे में लोहे के कांटे चुभ होकर रस्सी के सहारे हवा में झूलकर लोमहर्षक करतब दिखाए जाते हैं। सन्यासी अपनी जीभ में मोटी सुई चुभ होकर भगवान शिव के प्रति अपना आस्था प्रकट करते हैं, जिसे देख लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तारकेश्वर धाम शिव मंदिर परिसर में पश्चिम बंगाल से आए सन्यासी अपने पीठ में जांग में लोहे के कांटे चुभ होकर रस्सी के सहारे हवा में कलाबाजियां करते हैं। सन्यासियों द्वारा यहाँ पर धारदार तलवार पर नंगे पांव नृत्य किया जाता है। जी, पेट, शरीर के आदि हिस्सों पर लोहे की रॉड को आर पार किया जाता है। तो देखा आपने यहाँ की सच्ची निष्ठा। तो इसी तरह देखते रहिए सितारगंज टीवी। नमस्कार।